हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आरआरबी क्लर्क प्रीम्स की सेकंड शिफ्ट की एग्जाम ओवर हो चुकी है, तो चलिए बात करते हैं यहां किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा था एंड गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला है। अगर फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरिजन में बात करें तो सेकेंड शिफ्ट थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। फर्स्ट शिफ्ट तो बहुत ही ईजी लेवल का पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। खास करके जो मैथ्स था वो ईजी टू मॉडरेट था और रीजनिंग नॉर्मल ईजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग में। तो मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में DI पूछा गया था, बार चार्ट था, बार ग्राफ था, जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन टेबुलर DI से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और रॉन्ग नंबर सीरीज दिया गया था, जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओवरऑल मैथ ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें मेनली जो प्रॉब्लम्स हुई थी मैक्सिमम कैंडिडेट्स को वो सिंप्लीफिकेशन में ही हुई थी। सिंप्लीफिकेशन में थोड़े फंसे थे, बाकी DI वगैरह बहुत ही ईजी पूछा गया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत ही ईजी लेवल का पूछा गया था। खास करके जो पजल्स पूछे गए थे ये बहुत ही ईजी थे। फ्लोर बेस्ड पजल पूछा गया था, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 फ्लोर्स थे। देन एक पजल पूछा गया था, इसमें 3 मंथ्स एंड 2 डेट्स के ऊपर थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बॉक्स बेस्ड पजल था, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, 7 बॉक्सेस थे। देन सर्कुलर अरेंजमेंट था, जिसमें 8 पर्सन्स बैठे हुए थे, 5 क्वेश्चन इससे पूछा गया था। इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद सिलॉक्स के ऊपर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी इजी पूछा गया था सिलॉक्स भी। डायरेक्शन सेंस के ऊपर 3 क्वेश्चन थे। देन ऑर्डर रैंकिंग के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फाबेट सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 3 क्वेश्चन मिसेलेनियस थे। ओवरऑल रीजनिंग भी बहुत ही ईजी पूछा गया था। सेकेंड शिफ्ट में गुड अटेम्प्ट 70 प्लस रहने वाला है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, कौन से स्टेट से फॉर्म फिल किया था और साथ ही साथ आपने सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। देखिए नॉर्मली पिछले साल भी अगर आपने देखा होगा जो पैटर्न फॉलो होता है आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स में, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट होता है एंड फोर्थ शिफ्ट होता है ये कॉम्पिटिटिवली थोड़ा टफ रहता है, मॉडरेट लेवल का रहता है। तो चलिए देखते हैं अब थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट होती है तो कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।